हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृत। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमृत रेसिपीज में। आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर बाजार जैसा बहुत ही टेस्टी कलाकंद। ये बनाने में बहुत ही आसान है, उतनी ही जल्दी ये बन भी जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको बनाने के लिए मात्र दो इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, दूध और चीनी, जो हमेशा हमारे घरों में पाई जाती है। तो चलिए फिर बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी सी मिठाई जिसका नाम है कलाकंद। कलाकंद बनाने के लिए मैंने आधा लीटर से ज़्यादा दूध लिया है और मैंने एक लोहे की कढ़ाई जूस दे दी है। आपके पास जो भी कढ़ाई हो आप जूस कर सकते हैं। और स्लो मीडियम आंच पे इसको उबलने के लिए रख देंगे। इसको धीरे धीरे हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। आप इसकी जगह मिल्क मेड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जब तक ये धीरे धीरे गाढ़ा होता है तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन के अंदर मैं आधा लीटर दूध दूंगी और उसको उबलने के लिए रख देंगे। मैं एक नींबू लूंगी और उसको आधा काट के छन्नी की सहायता से निचोड़ लेंगे और बीजे अलग हो जाएंगे और हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। आप नींबू की जगह सिरका भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जो दूध हमने उबलना रखा था वो उबलना स्टार्ट हो गया है। अब हमने नींबू का पानी जो बना के रखा है वो धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे हमारा दूध जो फट जाएगा। ये देखिए, हमारा दूध पूरा फट गया है और मुलायम शैना बन के रेडी हो गई है। अब हम एक छन्नी लेंगे और उसके ऊपर मुलायम कॉटन का कपड़ा रखेंगे और उसके हम अंदर जो हमने दूध फटाया है वो डाल के छान लेंगे। क्योंकि हमने इसमें नींबू का रस डाला था इसलिए इसका हल्का सा खट्टापन दूर करने के लिए इसमें फ्रेश वाटर ऐड करेंगे और इसको धो लेंगे और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, हमारी मुलायम शैना बन के रेडी हो गई है। ये पानी बहुत ही गुणकारी होता है। अगर आप इसे आटा वगैरह गूंदने में नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने गमलों में भी ये पानी डाल सकते हैं। हम अपनी पूरी शैना को अच्छे से हाथ से मसल लेंगे और ये देखिए, हमारी मुलायम शैना बन के रेडी हो गई है। इसको हम जो दूध हमने गाढ़ा और पकने के लिए रखा उसके अंदर ऐड करेंगे। मैं आधा कप चीनी यूज़ करूँगी। और ये देखिए, जो दूध हमने गाढ़ा होने के लिए रखा था वो धीरे धीरे गाढ़ा हो गया। बीच बीच में इसको हिलाती भी रही थी स्लो मीडियम आंच पे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी, इससे हमारा जो कलाकंद बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनेगा। जो दूध हमारा जो है गाढ़ा हो गया है, कम से कम एक कप रह गया है, ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। आप चाहे तो इस स्टेज पे आप चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं जो चीनी है पनीर ऐड करने के बाद उसे मिलाने के बाद ऐड करूंगी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप घर पे नहीं पनीर बनाना चाहते तो आप बाजार का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर लीजिए, उसको ग्रेट करें और यूज़ करें। ये देखिए, जो हमने पनीर घर पे बना के रखा है जिसे छैना भी बोलते हैं, वो हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे और गैस को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसको चलाते जाना है। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। हम पूरे पनीर को दूध के अंदर मिलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। ये देखिए, गाढ़ा होता जा रहा है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। अब चीनी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और हाई फ्लेम पे इसे चलाते जाएंगे और ये सारा पानी इसका सूख जाएगा। मैं इसके अंदर आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। और ये आधा कप चीनी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, दूध और चीनी का पानी सूखता जा रहा है। अब धीरे धीरे ये गाढ़ा भी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम फटाफट से इसको चलाते जाएंगे और ये देखिए, ये हमारा कलाकंद दानेदार बन के तकरीबन रेडी हो गया है। आखिरी स्टेज पे गैस को स्लो करके फटाफट से चलाते जाएंगे और उसके बाद फिर गैस बंद कर देंगे। हमारा कलाकंद बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर डालूंगी। मैंने एक प्लेट ली है, उसमें देसी घी अच्छे से लगा लेंगे और उसके अंदर धीरे धीरे सारा कलाकंद डाल देंगे और उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरे कलाकंद को एक गोल प्लेट के अंदर स्क्वायर शेप में सेट कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है।
अब ये धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और अपने आप सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारा कलाकंद जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठंडा हो गया है। अब हम एक नाइफ की सहायता से इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे और ये देखिए हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट कलाकंद बन के रेडी हुआ है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम सारे पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कहीं से भी टूटे नहीं हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अपने अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स इसको डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट्स के इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी सुंदर कलाकंद बन के हमारा रेडी हो गया है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हमें एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।